हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है ये आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आज मैं ओरिफ्लेम का 5 प्रोडक्ट का रिव्यू देने वाली हूँ। मैं बोलना चाहती हूँ कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो मैं पर्सनली जो यूज़ की हूँ, जिसको यूज़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं सोची क्यों ना आप लोग के साथ मैं आज वो शेयर करती हूँ। तो ओरिफ्लेम का जो प्रोडक्ट है ना, ये बहुत ही अमेजिंग है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, मेरा फेवरेट ओरिफ्लेम का प्रोडक्ट है वो पहले हम देख लेते हैं। मेरा ना सबसे पहले फेवरेट है वो फेशियल, ओरिफ्लेम का फ्रूट फेशियल जो पपाया का है। इसका बहुत अच्छा पैकेजिंग आता है, लेकिन मैं अभी ऐसे ही इसको पिन करके दिखा रही हूँ। ऐसे 4 प्रोडक्ट में मिलती है, और ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है, और ये बिलीव मी, ये मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलती है इससे। मैं हर मंथ एक बार करके करती हूँ, और मैं एक हफ्ता पहले ही की हूँ। आप देख सकते हो मेरा फेस पे इसका इतना बहुत अच्छा ग्लो आता है। और ये है क्लिंजर, 4 प्रोडक्ट में जो आती है, तो ये है क्लिंजर, और फिर इसके बाद है स्क्रब, और ये मास्क, और ये मॉइस्चर। ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है। इस प्रोडक्ट के अंदर मॉइस्चर पावर बहुत ज़्यादा है। ये स्किन को हाइड्रेट करता है, नारिश करता है, और एक बहुत अच्छा सा ग्लो लेके आता है। और इसका स्मेल भी बहुत अच्छा है, और इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये लगभग आधा हो चुका है। इसको मैं परचेस की हूँ, और आगे भी रिपर्चेस करती रहूँगी। आई लव दिस प्रोडक्ट, रियली बिलीव मी, ये प्रोडक्ट अमेजिंग है। नेक्स्ट मैंने देख लेंगे कौन सा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है ये नाइट क्रीम, ये नॉर्वेज का है, मतलब ओरिफ्लेम का एक पार्ट है नॉर्वेज, तो उसका है। और ये भी अमेजिंग है, एकदम मैजिक का तरह काम करता है। जैसे कि रिंकल्स जो आता है उसको, फ्रिकल्स को रिमूव करता है, इतना चैलेंज लेता है ये, फ्रिकल्स को रिमूव करता है, रिंकल आने नहीं देता है। नाइट क्रीम के लिए ये परफेक्ट है। हाँ, इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये रियली में बहुत अच्छा वर्क करता है। और ये मॉइस्चर करता है स्किन को, होल नाइट स्किन को मॉइस्चर करके रखता है। ये भी मैंने ये इसको रिपर्चेस किया है, 1 महीना हो गया। और सबसे अमेजिंग बात इसका ये है, ये बहुत कम लगता है, इसका क्वांटिटी बहुत कम लगता है। एक मटर का दाना जो है होता ना, वैसे ही लगता है। तो इसके चलते ये काफ़ी दिन यूज़ में आ जाता है, मतलब ये ख़त्म नहीं होता है जल्दी, काफ़ी दिन यूज़ में आ जाता है। तो नेक्स्ट मैंने देख लेंगे कौन सा प्रोडक्ट है। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है फाउंडेशन, ये दावन एवर लास्टिंग फाउंडेशन है, इलू स्किन एवर लास्टिंग फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन बहुत ही लाइट कवरेज देता है, और ये फेस पे बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, बहुत कम लगती है, मतलब फेस में इसको बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इस यहाँ पे जो इस पंप लगा हुआ है, इसके मदद से इसको बहुत ही कम यूज़ में आता है, और फाउंडेशन जो है वो वेस्ट नहीं होता है। और इस फाउंडेशन के अंदर SPF 20 है, जो इसको लगाने के बाद आपको कोई भी सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं होगा। और बहुत ही कम ऐसा फाउंडेशन होती है जिसके अंदर SPF 20 होता है, तो ये है इसका प्लस पॉइंट। और नेक्स्ट जो है ये है लिपस्टिक, दावन का है, मतलब ओरिफ्लेम का एक पार्ट है दावन। तो यही इसका कलर। ये लिक्विड मैट लिपस्टिक है, और ये लिप को मॉइस्चर करता है, मतलब मैट है लेकिन आपका लिप एकदम मॉइस्चर रहेगा। और ये लॉन्ग लास्टिंग है, और इसका कलर ऑप्शन बहुत सारा है, लेकिन ये रेड कलर मुझे बहुत पसंद है। और नेक्स्ट है ये आईलाइनर,
ये पेंसिल आईलाइनर है, ये लिक्विड नहीं है, ये बहुत ही आसानी से लगाए जाते हैं, इजीली ये लगा सकते हैं। बहुत कोई है जिनको आईलाइनर लगाना नहीं आती है, उनके लिए तो ये परफेक्ट है। और इसका टेक्सचर देख लेते हैं, आपको अगर लाइट लगाना होता है, लाइट लगाना होगा तो ऐसे, और अगर मोटा लगाना होता ऐसे। ऐसे ऐसे लगा सकते हैं। ये वाटरप्रूफ नहीं है, फिर भी देखिए बहुत ही स्टे करता है ये। तो बस ये था मेरा ओरिफ्लेम 5 प्रोडक्ट का रिव्यू। होप कि आप लोग को ये वीडियो देख के अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आप लोग का कमेंट छोड़ना भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।